और ब्लॉग को ना आखिर तक देखो, तब ज्यादा अच्छा लगेगा, तब आप बंद पाओगे ब्लॉग के अंदर कि दुनिया का सबसे मिस्ट्री वाला क्वेश्चन कौन सा है। समझ में नहीं आ रहा भाई, कौन सा नशा करके आते हैं ये, कौन सा खून फूंक के आते हैं। मैं दिखाऊंगा वेजिटेबल चावल क्या होते हैं और पीले पुलाव क्या होते हैं, तहरी क्या होती है, मैं दिखाऊंगा क्या बनना है इसके ऊपर के अंदर। रुक जाओ, मैंने तुमसे पूछा था कि खाने में क्या मन है, तो तुमने तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शिवांग व्लॉग्स। यार इस व्लॉग की शुरुआत करें, सबसे पहले मुझे ना आपसे एक बात करनी है, मुझे एक शाउट आउट देना है। चैनल इतना बड़ा तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना यार, अगर आपकी कोई चीज पहली हो उसको आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखते हो, तो यार मेरा जो ऑफिशियली पहला जो सब्सक्राइबर है उसके लिए मैं एक शार्ट आउट देना चाहूंगा, और वो नाम है ये गौरव। तो गौरव अगर आप कहीं भी हो तो आप हमेशा इस चैनल के लिए सबसे खास रहोगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि आप मेरे चैनल पे ऑफिशियली पहले सब्सक्राइबर हो। और हाँ, उम्मीद करता हूँ जिस दिन भी हम बड़े होंगे या जब भी ये चैनल बड़ा होगा उसके साथ साथ आप बड़े होगे, और एक दिन आपको हम सरप्राइज जरूर करेंगे, चाहे कैसे भी करें, लेकिन हाँ एक दिन हम आपको सरप्राइज जरूर करेंगे। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज मेल आईडी पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, तो प्लीज मेल करना और अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर लिखना, ठीक है। अच्छा गाइज, एक बात बताओ कि दुनिया का सबसे मिस्ट्री वाला क्वेश्चन कौन सा है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? एक सवाल, मतलब जो आपसे रोज पूछा जाए, सुबह पूछा जाए, शाम पूछा जाए, सुबह उठते ही पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन भाई साहब जिसमें आपके दिमाग के घोड़े सारे खुल जाए, पता है कौन सा है? देखो मैं अभी बताता हूँ आपको, शिवानी के पास चलते हैं तब मैं आपको बताता हूँ। हाँ अच्छा ये बता, अभी इधर आ, सुन ये पूछ रहा कि तुम अभी मेरे पास क्या पूछने आई थी जब मैं काम कर रहा था? लंच में क्या बना लो है? लंच में क्या अच्छा, बना लो? और सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था उससे पहले क्या पूछा था? ब्रेकफास्ट में क्या बना लो? अच्छा शाम को ये भी पूछोगे डिनर में क्या बना नहीं लो? तो वो समझ रहे हो ना, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों टाइम तुमने पूछा, ठीक है। अब गाइस बताओ भाई साहब, इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा मिस्ट्री वाला क्वेश्चन क्या है जो आपसे रोज पूछा जाए? लेकिन भाई साहब लोगों के पता है माँ होती हैं, उनकी वाइफ होती है, बिना पूछे बना देती, क्योंकि इतने टाइम से बनाती हुई आ रही हैं, तो पता होता है कि यार उनका पति ये खाएगा, उनका बेटा ये खाएगा, तो अपने आप मिल जाता है। लेकिन हमारी बीवी मजाल है जो अपने मन से कुछ बना ले, हाँ पूछेगी जरूर, और लेकिन पूछने के बाद सबसे बड़ी बात ये नहीं है पूछ लिया, पूछने के बाद बनेगी वो चीज नहीं। सपोज मैंने बोल दिया कि आज मुझे मतलब येल्लो वाली दाल खानी है, अरहर की दाल खानी है, ठीक है भाई साहब मजा ले वो बन जाए, वही चीज नहीं बनेगी जो पूछी जाएगी। और अगर जो नहीं, जिसका खाने का बिल्कुल मन नहीं होगा, बस वही चीज आपके सामने आ जाएगी। और अगर उसे आपने कह दिया कि भाई अच्छी नहीं बनी, खत्म है भाई खत्म। मम्मी पूछती थी, सही बताइयो एकदम, मम्मी पापा से पूछती थी? मम्मी पापा से नहीं पूछते थे, लेकिन हम लोगों से तो पूछती थी ना। तो मतलब यार अपने पति से नहीं पूछती थी ना, तो बच्चों से तो पूछती तो थी, बच्चों से तो पूछती थी, तो जब हाँ। हमारे बच्चे हो जाएंगे तब तो उनसे पूछना। शाबाश बेटा, तुम हमसे मत पूछो। अरे भैया तो अभी भी मत पूछो यार, मुझे इस मुझे दुनिया के हर सवाल का जवाब पता है, चाहे सही या गलत। मुझे इस सवाल, जब मैं कुछ बनाती हूँ अपने मन से, तो निखिल का ये क्वेश्चन होता है यही बनाया है, और जब मैं इतने प्यार से निखिल से पूछती हूँ तब निखिल कुछ भी बना लो मैं सब खा लेता हूँ। गाइस देखो, मैं अभी यहाँ पर अपने कल वाले ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा हूँ, और इतने ज्यादा मच्छर हो गए हैं ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं देखो दिखाता हूँ मैंने क्या क्या कर रखा है अपने रूम में, मतलब मच्छर ना लगे उसके लिए मैंने क्या क्या कर रखा है। देखो एक तो ये मैंने कॉइल लगा रखी है, यहाँ पर ये मॉर्टिन लगी हुई है, बिल्कुल अल्ट्रा वाला लगा हुआ है इस पे, सबसे प्रो वाला, लेकिन फिर भी भाई साहब मजा ले एक मच्छर अभी, मतलब बस कोई दिख नहीं रहा है अभी, वरना मैं अभी आपको मच्छर दिखा दूं। यहाँ पे इतने ज्यादा मच्छर हैं, इतने ज्यादा मच्छर हैं, यहाँ देख रहे हो, मतलब रोज का ये काम है, कॉइल लगा रहे हैं, मॉर्टिन की रिफिल लगा रहे हैं, भाई साहब दोनों चीजें भी
मच्छरों को रोक नहीं पाती है। समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सा नशा करके आते हैं ये, कौन सा खून फूंक के आते हैं भाई साहब। इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, अलग ही लेवल के मच्छर हैं भाई इस बार तो। साला मुझे लग रहा है ये खून नहीं, ये पता नहीं कुछ और ही पी रहे हैं, साला दारू वारू पी के आ रहे हैं। इन्हें खुद नहीं पता कि कौन से नशे से मरना है। इसकी ये जो मोर्टिन और कॉइल है, इसकी तो इन्हें ऐसी आदत हो चुकी है ना, इनके सामने तुम चार पांच छह जला दो, साला वहीं भिनभिनाते रहेंगे, वहीं भिनभिनाते रहेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा इनके मच्छरों पर, चाहे कॉइल हो चाहे रिफिल हो, घंटा कोई असर नहीं पड़ता। देखो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ। आज ही बात हुई और आज ही अप्रूव हो गया। अब मैं दिखाता हूँ शिवानी ने क्या किया है। शिवानी हाँ। इधर आ, पहले रुक जा, रुक गया, अभी आता हूँ मैं तेरे पास, पहले मैं दिखा दूँ। ये देख रहे हो गाइस, अब शिवानी बताएगी इसमें क्या बन रहा है। मैंने क्या बताया था बनाने के लिए वो पूछेंगे पहले शिवानी से। शिवानी, आज मैंने, तुमने मुझसे पूछा था जब मैं वहां पे बैठा हुआ था कि आज क्या बनाओगे, तो तुमने क्या बोला था, तुमने बोला था कि मैं ये बना लूं, तो मैंने बोला था कि हाँ बना लूं। तुमने क्या बोला था, सब्जी बताओ जल्दी, सब्जी की आज मैं ये बनाऊंगी, जल्दी बताओ। आलू वाली लोगी नहीं, सांभर, तो फिर क्या बोला था मैंने, आलू टमाटर नहीं बोले थे, बोले थे ये फंस गया सी है। भाया इसने बोला था कि मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं खा लूंगा, मैं नहीं चलूं, मुझे पसंद भी है तो मैं खा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी बताओ सामने कुकर में क्या बनना है, वेजिटेबल पुलाव। अबे तहरी बन रही है यार, तहरी, गुल्लक मूवी देखी है ना, मासूमियत है साला, पीले चावल बन रहे हैं हमारे। हफ्ते में 3 दिन तो हमारे साले पीले चावल बनते हैं यार, मतलब हद है तुम यार, आज के भाई साहब, मतलब आज ही बात हुई है हमारी यार, आज ही, और तुमने आज कैसे कर होता है भाई, मैं अच्छा महीने में, अरे मैं कह रहा हूँ महीने में एक बार बने, मतलब तुमने इसी व्लॉग में मेरी बात सच कर दी, पीले चावल और पुलाव में थोड़ा डिफरेंस होता है। मैं दिखाऊंगा वेजिटेबल चावल क्या होते हैं और पीले पुलाव क्या होते हैं, तहरी क्या होती है, मैं दिखाऊंगा क्या बनना है इस कुकर के अंदर, रुक जाओ। हाँ ये बता बेटा, हाँ। तुमने आज ही कैसे गलत बात प्रूफ कर दी, मतलब तुम्हें ऐसा कैसे यार, मतलब अलग... मैंने तुमसे पूछा था कि खाने में क्या मन है, तो तुमने कैमरा ऑन है, सिर्फ ब्लॉग के लिए बोल रही है, मैंने तुमसे पूछा, इस लड़की ने मुझसे घंटा नहीं पूछा, इसने मुझसे यह पूछा था, निखिल मैं आलू टमाटर की सब्जी बना लूं, मैंने कहा बिल्कुल मैं खा लूंगा, चावल भी बना लेना, चावल की जगह बनने हैं पीले चावल यार, मतलब। अच्छा पिछले हफ्ते बने थे पीले चावल, सही बताइयो। नहीं भाई, पिछले हफ्ते लास्ट वीक नहीं पिछले हफ्ते बने, भाई पिछले हफ्ते बने, ये मानेगी नहीं, कैमरा ऑन है, मैं बता रहा हूँ, मैं तारीख लिखूंगा कब कब मेरे यहाँ पीले चावल बनते हैं। इसने आज ही प्रूफ किया है भाई साहब, जो मैं बोलता हूँ घंटा नहीं बनता, वो सिर्फ पूछने के लिए होता है भाई, मैं बोल रहा हूँ वैसे, अगर आपके यहाँ भी होता है ना, प्लीज आप यार समझ जाओगे अच्छे से, अगर ये आपके यहाँ होता है कि पूछा कुछ और जाता है, बनाया कुछ और जाता है, थाली में कुछ और आता है, ऐसा ही होता है भाई, नहीं होता। अच्छा तुम बता ना, मेरी माँ तो बताया कि नहीं बताया। अच्छा अभी तू बोलते कैमरे के सामने, फिर कुकर खुल जाएगा तो मैं दिखाई दूंगा कि कुकर में पुलाव है, तहरी नहीं है। मैं दिखाऊंगा गाइस, कुकर खुलने का इंतजार करो बस 2 मिनट। तहरी कौन सी होती है, पीले चावल बनने हैं। हाँ तो उसे तो वेजिटेबल पुलाव भी बोलते हैं। भाई साहब ये लग फंस गई यार, ये फंस गई। हाँ, खोल खोल, कुकर खोल ली थी। हाँ, हाँ खोल, मतलब कितना शांत हो तुम, कितने मतलब जल्दी खोल रही है, नहीं मुझे देखना चावल बने क्या बने, चलो एक बार नीचे से ऐसा करियो। हाँ गाइस, इसे वेजिटेबल पुलाव बोलते हैं, ये अब तहरी है, ये बेइज्जती मत मारो।
गाइस बताओ, गाइस बताओ यार, ये तहरी है कि वेजिटेबल पुलाव है यार? सही सी बताना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो यार। इस लड़की का भ्रम दूर कर दो कि इसने चावल बनाए क्या बनाए। देख जो मेहनत करके मैं डाल रहा हूँ व्लॉग, ठीक है, तुझे क्या लगता है यार? मतलब यार देख, ऑडियंस तो देख रही है हमें, मतलब चाहे कैसे भी देख रही थी, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, वो एक बात अलग है यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, इतने सारे चैनल कर रखे होंगे, एक हमारा भी कर दो। अरे यार मतलब, अच्छा तुझे क्या लगता है अभी तक जैसे जो भी व्लॉग्स गए हैं या जो भी कुछ गए हैं, तो तुझे क्या लग रहा है कि मतलब हम लोग ठीक है, हो जाएगा यार? अच्छा जाएगा ना यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? नहीं यार, मुझे कभी कभी ना वो नेगेटिव सी फीलिंग आ जाती है यार। नहीं यार, मतलब क्या कहते हैं, हो जाए, नहीं वो तो हो जाएगा, खैर मुझे पता है, अगर रेगुलरिटी रखी, कंसिस्टेंसी रखी तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक अंदर ना साइड में धक 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 वो तो यार, चल कोई नहीं, समझ सकती हूं। ठीक है, अगर अभी तक आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है ना, और प्लीज यार आपने अगर मेरे पिछले और भी व्लॉग्स देखे हैं, तो प्लीज यार हो सकता है कंटेंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा आपको कभी कभी पसंद आए, कभी कभी पसंद नहीं आए, तो थोड़ा सा सहलो यार, थोड़ा सा हम भी सहलेंगे, आप भी सहलो, लेकिन हाँ आपके लिए कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे। तो प्लीज यार, यार मतलब अगर यहाँ तक देखा है ना व्लॉग, तो यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज, और व्लॉग को ना आखिर तक देखो, तब ज्यादा अच्छा लगेगा, तब आप बंद पाओगे व्लॉग के अंदर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अपना प्यार जरूर दो, इतने सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे यार, तो एक और कर लो यार, क्या दिक्कत है भाई। हो सकता है कंटेंट में ऐसा ऊपर नीचे हो जाए, कभी कोई व्लॉग फ्लैट चला जाए, कभी कोई व्लॉग अच्छा चला जाए, कभी कोई व्लॉग मतलब नहीं जाए अच्छा, तो प्लीज यार सपोर्ट कर दो, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है यार अभी। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए